दोस्तों आज शुभमन गिल ने अपनी ही गलती से अपना विकेट गवाकर वेस्ट इंडीज को सेलिब्रेट करने का मौका दे दिया और उसके बाद वह काफी पछताते हुए नजर आए कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। दरअसल वेस्ट इंडीज के गेंदबाज टीम इंडिया के पहले विकेट के लिए तरस रहे थे क्योंकि इंडिया के ओपनर्स के बीच 119 रनों की साझेदारी हो चुकी थी। वेस्ट इंडीज के कप्तान निकोलस पूरन भी परेशान थे कि आखिर इस जोड़ी को कैसे तोड़ा जाए, लेकिन शुभमन गिल ने उनका काम आसान कर दिया। दरअसल वे आसानी से एक रन पूरा कर सकते थे, लेकिन शुभमन गिल बीच रास्ते में ही थोड़ा धीमे हो गए, जिसका फायदा निकोलस पूरन ने उठाया और पीछे मुड़कर एक शानदार डायरेक्ट थ्रो पर गिल को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। हालांकि शुभमन गिल ने 64 रनों की पारी तो खेली, लेकिन वह इसे आसानी से शतक में बदल सकते थे। दोस्तों आपकी इस रन आउट पर क्या राय है, आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं।